मार्केट में बहुत रश है, इसलिए गाड़ी वाड़ी नहीं लेके जा रहे, स्कूटी लेके जा रहे हैं, हर जगह आराम से चली जाती है। इसमें भी टैलेंट चाहिए ना ऐसी जगह ना चलाने के लिए। बेचारा शरीर से इंसान तो चला ही ना पाए। और हम अभी जा रहे हैं पल्टन मार्केट, वहाँ से कुछ फैब्रिक लेना था। मेरी फ्रेंड की शादी आने वाली है तो उसी के लिए मुझे तैयारी करनी है, इसीलिए मैं कुछ दिन पहले आई हूँ। और कल नवरात्रि है, नवमी है, कन्या जमाएंगे घर पे, दीदी का, पापा का, जीजू का फास्ट है तो कल कन्या जमानी है, उसके लिए भी सामान लेना है। देन मुझे स्पोर्ट्स शूज़ लेना था, मम्मी के लिए भी कुछ देखना है, कुछ कंफर्टेबल सा फुटवेयर मिल जाए। सो यही सब काम है, देखते हैं कितना हो पाता है आज, बट ट्राई करेंगे सारा ख़त्म करके ही घर चलें, क्योंकि मौका नहीं मिलता है बार बार बच्चों को घर छोड़ने का। सो जाते हैं अभी पल्टन मार्केट। इसका दुपट्टा देखो, इसमें दिखा मेरा मुंह। जी कर रहे हैं, मुझे काफी टाइम से पिंक सूट नहीं पसंद आ रहे, पर इस बार आज मैंने ले लिया था, चलो क्योंकि है ही नहीं मेरे पास पिंक ना। फिर एक ये है, ऑफ वाइट ना, वाइट ऑफ वाइट, उसका अपना ही ग्रेस है। तू ना ले लेके रख लेती स्टॉक, सिलेगी कब? मैं भी अभी नहीं सिलाऊंगी, जाने से पहले सिलवाऊंगी सूट को, कुछ तब तक फर्क पड़ जाए शायद। है मेरी अर्गेंजा साड़ी, ये इसके साथ का ब्लाउज का कपड़ा, और ये वो ब्लैक वाली साड़ी के लिए। वॉकी टॉकी चाहिए आपको जो भैया के पास है? ठीक है दिलाए थे, रोना नहीं, यहाँ पर जो ओए मेरी बेबी, आ जा चलो मैं दिलाती हूँ, आ जा कम कम। हाँ हाँ बेटू खेलना है, ठीक है थोड़ी देर में खेलेंगे, पक्का प्रॉमिस। सो बच्चों के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हो गया था, ईवा मैडम हमारी थोड़ी नाराज हो गई, उसको अपने एक टॉय से खेलना था और वो एक लड़का आया था तो वो दोनों खींचतान में टॉय टूट गया, अब उसे खेलना है तो उसका भी थोड़ा मूड ख़राब है, बट चलो बिठाया है अभी से खाने के लिए। एंड ये है मेरी कुर्ती जो कि मेरी नहीं है, ये दीदी की है, दीदी ने मेरे को दी अभी पहनने के लिए, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ अपने ऐसे कुछ एथनिक वेयर, क्योंकि मैं ट्रिप से आई हूँ वहाँ पर मैं कुछ लेकर नहीं गई थी। सो थोड़ा सा लूज़ है बट फाइन चलेगा, इतनी गर्मी में वैसे भी लूज़ कपड़े सही लगते हैं। सो आज है नवरात्रि की नवमी और आज हम लोग कन्या जमा रहे हैं घर पे, पीछे ये मंदिर है, दीदी पापा और जीजू जिनके फास्ट है वो लोग अभी मंदिर होकर आए थे एंड अब कन्या जमा रहे हैं, उसके बाद इनका फास्ट खुलेगा एंड इसके बाद हमारा कुछ कुछ प्रोग्राम और रहता है, देन शाम को है हमारा मूवी का प्लान, तो मूवी देखने जाने वाले हैं हम, क्योंकि मम्मी पापा कह रहे हैं हम परसों निकल जाएंगे वापस, तो हमने कहा जब तक आप हो तो हम कुछ फ़ायदा उठाएं, तो हम तीनों बच्चे घर पे ही छोड़कर जाएंगे
और बस दीदी जीजू और मैं ही जाएंगे मूवी देखने। अगर मैंने कोई मूवी देखी होगी तो 2019 के दिसंबर में देखी होगी या फिर 2020 के जनवरी में देखी होगी। उसके बाद से मैंने अब तक कोई मूवी नहीं देखी है, जब से लॉकडाउन खुला है तब भी मैंने कोई मूवी नहीं देखी है पीवीआर में जाके। तो आज मैं पीवीआर में जाऊंगी एंड उसके लिए तो अलग ही एक्साइटमेंट है। अभी चलते हैं बाहर, कन्याओं को खाना खिलाते हैं, उन्हें विदा कराते हैं, देखूं कुछ और तो नहीं हो रहा है वहां पर। इबू बलून, इतना बड़ा किसने बुलाया? पापा। सो सारी कन्या जिम नहीं वाली थी, तब तक समर भी उठ गया और उठकर वो अपने रूम से बाहर आ गया। यूजुअली वो उठकर बेड से नहीं उतरता है, पर आज पहली बार वो बेड से भी उतरकर बाहर आ गया एंड क्योंकि बच्चों की आवाज़ें आ रही थी तो वो बाहर आके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग गया। इसके बाद कुछ बच्चे चले गए अपने घर, कुछ बच्चे वहीं रुक गए खेलने लग गए, कुछ खा रहे थे, मज़े कर रहे थे एंड बाद में दीदी के बच्चे भी घर से निकल गए। कौन सा ऑडी है हमारा? कुछ खाना है ना? क्या लेंगे? सो अभी हम आ रहे हैं मूवी से वापस। काफी ज्यादा अच्छी मूवी थी। मैंने तो शायद 2 साल से ऊपर हो गया है मूवी देखे हुए, आज जाकर मैंने कोई मूवी देखी है पीवीआर में। खैर अभी हम जा रहे हैं घर, बच्चे छोड़ रखे हैं मम्मी पापा के भरोसे। यही था हमारा ये 2 दिन का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू, टेक केयर, बाय।